दोस्तों, मैं भावना चंद आज आ पहुंची हूँ सीपी के रू बर्गर में। अगर आप भी अक्सर सीपी आते जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, तो मैं आज आपको सीपी की एक बहुत ही सस्ते कैफ़े में लेके जाने वाली हूँ। जी हाँ, ये रू बर्गर है, जहाँ पे आपको बहुत ही कम अमाउंट में बहुत अच्छा बर्गर और बाकी चीज़ें खाने को मिलने वाली है। मैं बर्गर इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसका नाम ही रू बर्गर है। तो चलो वीडियो में, और मैं इसकी सारी डिटेल आपको देती रहूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो दोस्तों, अगर आप अक्सर सीपी जाते हैं तो दोस्तों के साथ रू बर्गर जरूर जाइए। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, इसका सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या अभी ज़्यादा कुछ खास कमा नहीं पा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत कम बजट में आप यहाँ पे बर्गर खा सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो मुझे बेस्ट बर्गर ये लगा, ना कि मुझे मैकडी का बर्गर पसंद आता है और ना ही बर्गर किंग का बर्गर। मुझे यहाँ का बर्गर, यहाँ की ब्राउनी, यहाँ की आइसक्रीम, यहाँ की कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ के जो लोग हैं जो सर्विस करते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे। उनका नेचर जो है काम का बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई भी अच्छी है, डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि किस हिसाब की है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, और ये नहीं कि एसी बंद किया हुआ है, फुल ऑन एसी चल रहा है। जो बर्गर है ओनली 35 रुपीज़ का है। और हाँ, मेरे साथ एक अलग एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैंने आइसक्रीम इनसे ऑर्डर कर की थी, पर क्योंकि इनके पास आइसक्रीम खत्म हो गई थी, कुछ मशीन में इशू आ गया था, तो उन्होंने मुझे ब्राउनी रिप्लेस करके दी आइसक्रीम की जगह, और ब्राउनी भी बहुत टेस्टी थी। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड के साथ इन्जॉय करने की, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मैंने फुल इन्जॉय किया। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा बैठी, किसी ने मुझे रोका नहीं, टोका नहीं कि अब टाइम हो गया, ओवर जाओ। जबकि हम बर्गर किंग वगैरह में जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा देर बैठते हो तो वो थोड़ा सा आपको ना आके बीच में डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपको अब उठना है। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं।